<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जियो पाक ज़िंदगी इस प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी होस्ट फ़ायज़ा ख़ान आपकी खदबत में हाजिर है जियो पाक ज़िंदगी एक ऐसा ख़ूबसूरत सिलसिला जिसमें हम पाक ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को सीख रहे हैं हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शामिल हैं उस नगे में जजाकिला उस आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का हमारे साथ मिल बैठने का और हमें पाक जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाने अल्लाह ताला हमसे कबूल करे आमीन सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत जहाँ पर हम अपने अमल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वो तरीके सीखना चाहते हैं कि हम अपने रब को अपने बनाने वाले को अपने खालिब को अपने मालिक को अपने राज़े को राजी कर सकें और अल्लाह से ही उम्मीद रखते हैं क्योंकि उम्मीद भी तो दिल की इबादत है को वो इन इसमें हमें कामयाबी अता करेगा इस ख़ूबसूरत सिलसिले में हमारे बहुत ही प्यारे साथी साथ शामिल हैं ताकि क्योंकि सवाल को दीन में आधा इल्म कहा गया है उनके सवाल ऐसे हों कि हम जो बातें सीखना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी हासिल हो आज जियो पाक ज़िंदगी के सिलसिले में जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है ख़ुद परस्ती से ख़ुदा परस्ती तक का रास्ता कैसे इबलीस को एक ख़ुद परस्ती ने जन्नत से बाहर निकलवा दिया एक ऐसे माशरे में बैठ के इस सफ़र को तय करना इसके बारे में बात करना जहाँ हर कोई ये चाहता है और इस फलसफे के तहत तैयार होता है कि मैं हूँ और मैं होता रहता हूँ मेरी मर्ज़ी मेरी चॉइस मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ मैं जैसे चाहूं वैसे बन सकता हूं, जो चाहूं पहन सकता हूं, जैसी सोच चाहूं रख सकता हूं, जिस तरह के घर में रहना चाहूं रह सकता हूं, जो ख़रीदना चाहूं ख़रीद सकता हूं, मेरी प्राइवेसी मेरा मेरा और मेरा ऐसे माहौल में बैठ के ख़ुद परस्ती से खुदा परस्ती तक के सफ़र को तय करना चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इसमें कामयाब करें इस प्रोग्राम में मेरे से शरीक गुफगु रहेंगी अकीला साहिबा और इसी तरह से साहिबा और मेरे बाएं जानब मेरे बहुत ही प्यारे साथी मौजूद हैं राबिया उमर और अक्सर अंसारी आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं उस पहला सवाल ख़ुद परस्ती है क्या अगर आप अल्फाज पे देखें ख़ुद यानी मैं अरबी ज़ुबान में इसे अना कहते हैं और अना का ताल्लुक उस मजलिस के साथ है जहां अल्लाह रबुलजत ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो उस मौके पर अबलीस ने इनकार किया तो रबुलजत ने पूछा था मामा ना का अल्लाह तस्चुत। तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे तो उसने जवाब दिया अना इससे बेहतर हूं तो यह अना का सफर है जो उस दुश्मनी से शुरू हुआ था अना दरअसल क्या है तकबर अपनी ज़ात को बड़ा समझना ज़्यादा उस वक्त तो एक इनकार किया था अब तो मेरे ख्याल में हम हर चीज में ही कहते हैं आना खाई इस चीज़ में भी हम है। बल्कि जिंदगी का सफर तय ही इसलिए करते हैं ताकि दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा साबित बेहतर घर बना सकें बेहतर स्कूल में पढ़ सकें बेहतर स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें बेहतर से बेहतर ये सब चीजें मना नहीं है ऑबली लेकिन रीस तो इसी चीज की है हाँ इसमें कोई शक नहीं जो घर बनाना चाहे और उससे को पूछे कि आप घर बनाना चाहते हो कैसा घर बनाना चाहते हो आ, मैंने खातून से सवाल किया तो उसने कहा कि मैं ऐसा घर बनाना चाहती हूँ कि जो देखे वो देखता ही रह जाए लिबास पहनना चाहते हैं तो ऐसा कि जो देखे देखता ही रह जाए तो ये क्या दौड़ है दौड़ तो ये है कि मेरी जात नुमाया मेरी बात नुमाया मेरे मामला नुमायाँ इसी वजह से फेसबुक वजूद में आई फेसबुक में ज़ात नुमाया होती है ना सेल्फी कल्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जहाँ कोई लेता है ना ले मैं अपनी तस्वीर खुद ले हाँ खुद ले लो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ तो बेसिकली ये इवलिसी एजेंडा है सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद परस्ती को थोड़ा और खोलना चाहिए लास्ट ईयर एक वाक्य लाहौर में बड़ा मशहूर हुआ हर खातून इस वाक़े के बारे में जानती है कि एक देवरानी और एक जेठानी ने मुख्त ब्रांड पे आने वाले सूट को ख़रीदा और जब एक सूट को दूसरी ने एक स, दूसरी से पहले सिलवा लिया यकीन किसी को तो शब्कत ले जानी थी तो उसने अपना सूट यानी देवरानी ने अपना सूट उठाया और अपनी मेड को पहना दिया कि अगर मेरी जेठानी ये सूट पहन के आई है तो ये देख ले मेरी मेड ने पहना ये वाक़ हर जगह इसका शोरू वल भी बहुत रहा मतलब लिबास वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हालांकि पता है कि सबने उसी जगह से जाके लेना है ज्वेलरी में बर्दाश्त नहीं कर सकते गाड़ियों में बर्दाश्त नहीं कर सकते छोटे छोटे बच्चे अपने बैग्स पे मुकाबला करते हुए अपने स्कूल के बारे में मुकाबला करते हुए हमें नज़र आते हमने अपनी जनरेशन को कहाँ आ के खड़ा कर दिया मुकाबले की फ़िज़ा तो वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन ये मुकाबला किस चीज़ का है ये नेकियों का मुकाबला तो नहीं है यानी इंसानियत का मुकाबला तो नहीं है ये तो मादियत का मुकाबला है ना और फिर ऐसे मुकाबले होने लग गए कि उसमें हाथ पाँव धक्कम पेल ये सब कुछ शुरू हो गया हाँ फिर कहीं शीशे टूटते हैं सेल लग जाए और कहीं नेट पे सारी दुनिया हमारा तमाशा देखती है तो ये यानी एक आर्टिफिशियल दौड़ है आर्टिफिशियल रेस है जिसमें सबको डाल दिया गया कि हर कोई ये चाहता है कि सबको पता चले कि मैंने खाना किस जगह बैठ के खाया तो अब मैं फलां जगह हूँ मैंने फलां चीज़ खा ली मैंने फलां चीज़ पहन ली हर जगह स्टेटस अपलोड हो रहा है ज़ात को नुमाया करने के लिए अपनी बात अपनी ज़ात अपने मामलात, तो जिसके लिए अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा बड़ी है उसके लिए वो रब वो इलाह वो ख़ुदा कैसे बड़ा हो सकता है तो रबत ने फरमाया अफराईता आई था मनित कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया हो दरअसल ये ख्वाहिश परस्ती का दीन है खुद परस्ती का दीन, ख्वाहिश परस्ती का दीन है इब्लीस ने रब के सामने खड़े होकर कैसे अपनी ज़ात को कैसे बड़ा समझ लिया असल में मामला तो बड़ा सादा सा है अल्लाह पाक ने जब हुक्म दिया तो उससे पहले इब्लीस की कैफियत क्या थी मुझे इस बात से हमेशा बहुत खौफ आता है कि वो जिसकी इबादत गुजारी की वजह से उसे फरिश्तों में जगह दी गई उसकी इतनी जल्दी मत पलट गई कि उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं देखा ना उसने इसे पैदाइश का मामला बना लिया कयास यानी अल्लाह की बात को मानने की बजाय उसके हुक्म के बजाय कयास किया कि दरअसल आदम सलाम को जो फजीलत दी जा रही है वो पैदाइश की वजह से फिर उसने सोचा कि मुझे तो अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से तो मट्टी तो नीचे की तरफ़ जाती है और आग ऊपर की तरफ उठती है इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ तो नतीजा गलत निकाला तो लाइफ में ऐसा ही होता है इंसान इसी तरह से खुदा परस्ती से निकलता है कि जब वो हकीक़त का आ, सामना नहीं कर पाता या हकीकत के बारे में उसकी सोच टेढ़ी हो जाती है जहनी सांचा बदल जाता है और जैसे सूरह सराह इसराइल में आता है ना आयत नंबर एटी टू में कुल्लुया अमल अला शाह की हर कोई अपने जहनी सांचे के मुताबिक अमल करता है तो जहनी सांचा टेढ़ा हो गया इब्लीस का और आज आप देखें कि उस इब्लीस ने ऐसा इंतकाम लिया पूरी इंसानियत का जहनी सांचा टेढ़ा कर दिया हर कोई अपनी ज़ात के लिए जीतता है अपने आप को नुाया करना चाहता है तो ये अनापरस्ती है ख़ुद परस्ती है तो क्या वो अपनी यानी इतनी इबादत गुजारी के बावजूद उसके ज़हनी सांचा दुरुस्त नहीं हो सका या उसके बग़ैर ही वो इबादत करता रहा था असल बात यह है कि इबादत से जिस चीज़ में बेहतरी आती है वो जहनी सांचा नहीं है इबादत से पावर मिलती है आपको पता है पावर अंधी होती है जैसे बिजली की पावर है तो बिजली की पावर से आप फायदा भी उठा सकते हो लेकिन नंगे तारों को छूने वाले का क्या बनेगा इबादत की वजह से इंसान को ये कॉन्शियसनेस और ये आगही नहीं मिलती बल्कि आगही की वजह से इबादत बेहतर होती है जो चीज़ इंसान की हेल्प करती है वो इल्म है तो अगर हम उस मौके पर भी देखें तो इल्म और इबादत दो चीज़ें रबुलजत ने साफ साफ दिखाई आदम को इलम दिया था अशिया का इम और इबली शिबादत गुजार था इसका यह मतलब नहीं कि इबादत का दर्जा कम है इसका मतलब यह है कि इबादत इल्म के साथ सही किरदार अदा करती है उसका नफ़ा तब इंसान को पहुंचता है तो भले से कोई अपनी ज़ात को झुका ले लेकिन दिल ना झुके तो महज अल्फ़ाज़ और महज़ आमाल एक्शनस उस तरह का फ़ायदा नहीं देते और इकबाल ने कहा ना कि लुत गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही के तो अजनबी जुबान के अल्फाज हैं जब तक आपका दिल गवाही नहीं देता तो इबलीस के दिल ने अल्लाह पाक की जो पहले गवाही दी थी वो गवाही आदम को सजदा करने के हुक्म पर खुल गई कि उसकी क्या कैफियत थी, जो थी जो सिर्फ खुली थी, थी जो खुल के सामने आ गई तो आ, अपने अंदर भी हमारे अंदर जाने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ मे पर खुल के सामने आती रहती हैं सदा अगर इस तरह देखें कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये काम कर लेती हूँ तो मतलब मेरे जहन में आता है कि जैसे ये कॉन्फिडेंस है और अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती तो फ़ौर आता जैसे दीन में तो मायूसी कुफर है तो इसके दरमियान बैलेंस कैसे कि खुद परस्ती और एक तरफ मायूसी इसके दरमियान बात ये है कि जिस वक्त एक इंसान ये कहता है कि मैं ये कर लूँगा मैं कर सकता हूँ तो दरअसल वो भी अपनी कुत और अपने मामला की तरफ देखता है रब की तरफ नहीं देखता तो व मातशाऊ ना अशा रब्त तो ये फरमाया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह त चाहे तो इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है हज़रतली ने कहा था ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना तो इंसान इरादे करता है और उसके इरादे टूटते हैं तो उसे पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ तो बात यह है कि खुद एतमादी का मामला जो है ना लफ्ज से ही वाजह है खुद पर एतमाद करने वाला खुदा पर अतमाद कैसे करता है हम किसी और किस्त में इसको देखेंगे कि खुद एतमादी और खुदा एतमादी में क्या फ़र्क है और ख़ुद एतमादी से खुदा एतमादी का सफ़र कैसे हो सकता है फिर हम ज़्यादा डिटेल के साथ इन शादी देखेंगे जजा गिला उस ख़ुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का सफर कैसे तय होगा इन शह एक मुख्तिर से वक्फे के बाद दोबारा सीखेंगे वेलकम बैक नाजरीन उस हम बात कर रहे थे खुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का सफ़र कैसे तय होगा और राबे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं तो हम रावे के सवाल की जानब चलते हैं सर जब इबलीस ने यह रवैया इख्तियार किया तो उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई की कि, कि फ़रिश्तों का रवैया क्या था और असल में यही रवैया इंसान से भी मतलूब है आज के दौर में जैसे अभी हम देख भी रहे थे कि आज का इंसान किस किस बुरी तरह से खुद परस्ती में मुबतला है आ, वो ये बात कि मैं हूँ और मैं होता रहता हूँ मैंने अपनी मर्ज़ी से जीना है मैंने अपनी मर्ज़ी से काम करना है कोई क्यों मुझे कहे वो क्या अमल हो किस तरह से पॉसिबल है कि ये इस आइडियल बिहेवियर तक वो पहुँच सके यानी फरिश्तों जैसी बात उसके अंदर किस तरह से क्या मुमकिन है ये अल्लाह को बड़ा मान लें हर अजान यही सदा देती है यही पुकार है अल्लाह अकबर देखें अना परस्ती का इलाज खुदा परस्ती है ख़ुद परस्ती से निकाल कर ख़ुदापरस्ती तक लाने के लिए जो पुकार है वो अज़ान की है एक एक लफ्ज़ ऐसा है जो खुद परस्ती से निकालने वाला है अल्लाह अकबर ये महज अल्फाज नहीं है लाइफ स्टाइल है लेकिन उस जो इन्होंने सवाल पूछा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समटम इंसान को ये लगता है कि मैं अल्लाह की मान रहा हूँ लेकिन ऑबियसली हम आपस के जब मामला करते हैं इंसानी तल्लुक में तो फिर इंसान किसी इस तरह की बात में आ जाता है कि ये तो फल किसी ये हुक्म तो फला इंसान दे रहा है या ये, ये बात फला इंसान कह रहा है ये बात तो मैंने बहुत अच्छी की तो मैं अल्लाह की मान रहा हूँ या मैं इंसानों की मान रहा हूँ मुझे लगता है वो इंसान थोड़ा सा और ख़ुद परस्ती की तरफ जाके खड़ा हो जाता है एक्चुअली इंसान के साथ मामला ही ऐसा है आदम और इबलीस की दुश्मनी जो है आज दुनिया में हर जगह देखी जा सकती है जब भी कोई दावत देने वाला दावत देता है ना तो दूसरा इंसान उसकी दावत को उसकी ज़ात की तरफ मंसूब कर देता है वो अगर अल्लाह अल्ला की दावत महसूस नहीं करता तो जब सामने वाले को देखता है तो वो कहता है अच्छा इसमें कौन सी ऐसी बात है जो तो मेरा जैसा इंसान है ये तो मेरा जैसा इंसान है और इसमें फूलों फूल गलतियां भी हैं और इससे ज्यादा बेहतर मैं समझ सकता हूँ और इससे बेहतर लाइफ स्टाइल में देखा ही नहीं था कि ये अल्लाह का हुक्म है उसने भी ये बात देख ली कि ये तो मेरे से अफजल नहीं है अगर सादा सी बात देखें ना रबे तो बात यह है कि इंसान किसी की बात में अपने रब की बात अगर तलाश कर लेता है तो वो खुद परस्ती से निकल आता है जब वो उसकी ज़ात को देखता है तो रिएक्शन में आता है रद्द अमल की नफसियात तो उभरती है इंसान रिएक्शन में आता है तो उस रिएक्शन में जानते हैं क्या चीज़ जन्म लेती है तकबर से हसत किस तरह से उसकी सोच का सांचा टेढ़ा होता है ना तो इंसान अपने सामने वाले से ही जैलस हो जाता है वो कहते हैं अच्छा फिर अपने आपस का मुकाबला शुरू हो जाता है और उस जैलसी की वजह से फिर सोच सीधी होती नहीं हर वक्त यही चक्कर मुकाबले की फिजा मैम यही बात है कि जैसे जिसकी सोच का यानी रुख टेढ़ा हो गया यानी उसका जहनी सांचा दुरुस्त नहीं है वो तो जिसको भी जिस चीज को भी देखेगा तो वो उसको खुद से ये वो यानी ऐसा किस तरह से होकरेगा वो, वो चाहेगा कि मैं अल्लाह से मांगूँ इबादत करूँ जैसे अभी आपने बताया इबादत से पावर तो मिलती है लेकिन ये है कि वो पावर भी उसको वो सही रहनुमाई कर सकती है अल्लाह ताला की मदद ऑब्वियसली हो सकती है लेकिन ये कि आखिर उसके लिए क्या है वो फर्स्टली क्या करे सेकंड स्टेप उसका क्या होगा थर्ड स्टेप क्या होगा कि वो यानी उसका जहनी साँचा दुरुस्त बेटा बात यह तरीका तो बहुत सादा सा है बस वो अपने दिल से मशवरे ना ले अपने दिल से हर बात का जवाब ना ले खुद फैसले ना करे अपने आप को हैंड ओवर कर दे अपने मामलात को अपनी सोचों को अल्लाह ताला के हवाले करे अल्लाह ताला क्या चाहता है सादगी के साथ इतनी सी बात क्योंकि है। है। जब जेनी सांचा उलट जाता है तो फिर तो आपको हर चीज़ हमें ओबी में एक प्रैक्टिस करवाई जाती थी परसेप्शन के हवाले से और एक तस्वीर को सामने ला कर दिखाया जाता था और उसमें मुख्त लोगों से राय पूछी जाती थी कि इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहते हैं तो किसी को वो तस्वीर बूढ़ी औरत लगती थी किसी को ऐसी औरत लगती थी जिसके बच्चे उसे छोड़ गए किसी को बीमार औरत लगती थी और कोई कहता था ये चुड़ेल है तो फिर हमें ये पढ़ाया जाता था कि दिस इज़ वाट अ, मतलब ये वो है जो आप अपने इन, इन, इन साइड से फील करते हो तो ये आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो आपको तस्वीर में भी वही चीज़ नज़र आती है जो ख़यालत आपके अंदर होते हैं ये बड़ी अहम मिसाल आपने दी है तो तो मतलब जब इंसान ख़ुद परस्ती का इतना आदि हो जाता है तो फिर वो सामने वाले की सिचुएशन को भी अपने अंदर के उस ख्याल जहाँ वो डुबकी लगा गया उसके मुताबिक देख रहा होता है तो फिर बात अब वो उस सामने वाले की बात लगती है अल्लाह की बात का ख़्याल ही नहीं आता कि ये तो अल्लाह ताला ने और मुझे अल्लाह ताला की तिकमत पर बड़ी हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने दूसरे के अखलाक को दुरुस्त करने की या दूसरे के मामला को दुरुस्त करने के बारे में आपको तलकिन तो की है कि आप उसके बारे में फ़िक्र करें लेकिन असल में फ़िक्र अपने बारे में करने को कहा ख़यालत अपने पाक करने हैं सोच अपनी सीधी रखनी है मामलात अपने सीधे रखने हैं उसका मामला ज़्यादा का उस पर छोड़ दें अल्लाह पर छोड़ दें सही सबसे तो दे कुछ ऐसे मोमेंट पर जब ऐसा डिसाइडिंग मोमेंट होता है तो उस वक्त तो फिर वही सही फ़ैसला कर सकते हैं जिसका दिल हर वक्त अल्लाह ताला की याद में हो जिसके ऊपर यही चीज़ हावी हो असल में ब्लॉक लगाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इबलीस यहीं से इंसान को पकड़ता है कि देखो आप भी तो हो आप क्यों किसी की बात मानो आखिर आप में क्या कमी है आखिर ऐसा क्यों है कि कोई आके आपको हरफे गलत की तरह मिटाना चाहता है तो आप अगर उसकी बात मान लोगे तो आपकी तो हस्ती खत्म हो गई आपकी बात की कोई वैल्यू ना रही तो इबलीस जो है वो अंदर अंदर से इंसान को दिमक लगा देता है जैसे उसकी हर सोच को जीरो से ज़रब देता रहता है नहीं हमारा जो सिस्टम है हमें ये सिखाता है कि फैमिली सिस्टम भी और सोसाइटी का सिस्टम भी कि आपकी रिट दायर नहीं होती कि जब तक आप अपनी बात मनवा ना ले तो फिर आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए जाहिर है मतलब उसमें जब बहुत ज़्यादा बेजा लाड प्यार किया जाता है तो हर बच्चा ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो वो कहते हैं ना कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी दानिस्ता, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया तो ये सबसे बड़ा सितम तो इंसान अपनी जात पर ही करता है कि उसे फिर ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं भी गलत सोच सकता हूँ वो हर दफा गलती दूसरे में ही तलाश करता है तो अपनी गलती को इंसान जब दूसरे में तलाश करता है तो उसकी वजह से फिर यानी कभी सच्ची बात सामने नहीं आती सच छुप जाता है इस वजह से बस इतनी सादा सी बात है अपनी तरफ ना देखें खुद से फैसले ना लें अल्लाह की तरफ देखें तो क्योंकि अल्लाह अल्ला बहुत है। बड़ा है सबसे बड़ा है और ये बात देखिए आप जब कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो उस हर एक की नफ़ी हो गई ना कि मेरी जात भी गई सामने वाले की ज़ात भी गई और अल्लाह की बात रह गई उसकी ज़ात बड़ी है सुबह ना आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह अकबर जानवर ज़िबा करते हैं तो अल्लाह अकबर हकीकत यह है कि तकबर से रज़ाई लाही तक का सफ़र इसी तरह तय हो सकता है बल्कि आप लोगों ने वो छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी एक छोटा सा क्लिप है जिसमें एक शख़्स जो है वो जब कुर्बानी करता है तो जानवर को कुर्बान करने से पहले उसको उसके कान में कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और जिस वक्त यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह यानी जब उस उसके सामने ये बात कहता है तो जानवर पूरे तरीके से सरेंडर कर देता तो है ये तक ही तक खुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का सफर بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الله السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر Total submission. These guys had a little. Uh, they come from a bigger ranchers, so they're a little bit wild. They're not used to uh, be touched and handled by humans, and uh, for them to turn around and just lay down like really in total peace. उसताजा आज हर कोई जो है वो चाहता है वो डिफरेंट लगे वो यूनिक लगे उसमें खुद नुमाई जो है वो ज़्यादा आ गई तो आज हम आर्टिफिशल जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं तो ऐसा हम क्या करें कि हम नेचर की तरफ पलट आए क्योंकि जो नेचर है असल में प्योरिटी तो उसी में है क्योंकि नेचर ही हमें हमारे रब से करीब कर सकती है अकेला आपने बात ठीक कही लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम ने इससे रोका है कि आप अच्छा पहनो नहीं अच्छा खाओ नहीं अच्छे घरों में ना रहो रसोल्ला सल्ला व्लम ने इसकी इजाज़त दी जब एक शख्स ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं जो चीज़ पहनूँ तो वो सबसे अच्छी हो या मुझे मैं अच्छा पहनना चाहता हूँ तो आप सल्ह ने फरमाया कि ये तकबर की बात नहीं है तकब्र तो हक़ से दूरी है यानी इंसान को हक़ समझ नहीं आता ना तो बात यह है कि नेचर की तरफ़ पलट आने के लिए अगर कोई कहे कि हम अच्छा पहनना छोड़ दें तो ये तो रहवानियत है और मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सुस्तियों की वजह से और अपने यानी एक अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी वो इख्तियार नहीं कर सकते देखिए साफ़ सुथरा रहना अच्छा पहनना अच्छा खाना जो अल्लाह ने इस्तात दी उसके मुताबिक रहना इसमें कोई हरज की बात नहीं है लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस तरह के लाइफ स्टाइल की वजह से या इस तरह रहने की वजह से हम नेचर के करीब नहीं तो अपने माहौल को भी वो ख़राब करके रखे और जो उसके पास है उसके मुताबिक ना रहे बल्कि हर एक चीज़ में सादगी सिर्फ इसी को कहे कि इंसान को ना उठना आए ना पहनना आए ना बरतना आए तो बहरहाल ये भी नेचर नहीं है ये भी नेचर नहीं हाँ अलबत् ये है कि आप आर्टिफिशलिटी ना इख्तियार करें आपको अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया उसके मुताबिक आप यानी जिंदगी बसर करें अल्लाह अल्लाह अल्ला अकबर जैसे आप कह रही हैं कि असल में तो यही लेसन है अल्लाह तला की बड़ाई को समझने के लिए अल्लाह तला की मार्फत बहुत जरूरी है ना जैसे अल्लाह अकबर तो वैसे यानी अल्फाज ही लग जाते हैं ना फिर कि यानी बचपन से सुनते आए अल्लाह अकबर बड़े भी कहते हैं लेकिन अल्लाह तला की बड़ाई असल में क्या क्या है ना उससे क्या मुराद है तो ये समझने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है ना दिल में ये अल्लाह ने अपने कलाम में इस बात को कितना ज्यादा समझाया है तबारक मुल्क बड़ा बरकत वाला है जिसके हाथ में बादशाहत है लहू मुल्क समावाती उसके लिए है जो कुछ ज़मीन में आसमानों में ज़मीन व आसमान की बादशाहत उसी के लिए है लाही माँ फ़िस सम वह थाँ फिल्त अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन इंसान इसी बात पर गौर कर ले कि सब कुछ अल्लाह का है फिर मेरा क्या है मन किस चीज़ का है उस मन का जिसने रहना नहीं या उस तन का जिसने मट्टी में जाना है या उस धन का जिसने हाथों में रहना नहीं जो हाथों की मैल है किस चीज़ का मान है जो आज मेरे पास है वो तो मुझे अमानत के तौर पर मिला और उसने मुझसे जाना है उससे चले जाना है तो जब कल छिन जाएगा तो आज जब इख्तियार है तो क्यों ना सरेंडर कर दूँ अल्लाह पाक नज़रत इब्राहिम से भी तो यही कहा था ना कि क्या आप इस्लाम ले आए क्या आपने अपने मामला को अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो इब्राहिम आलाम ने जवाब में क्या कहा था असलम तुल रबिलमीन कि मैंने अपने आप को रब्बालमीन का मुती कर दिया तो असल में मुती तो तभी इंसान करता है जिस वक्त वो अपने आप को नीचे कर लेता है कि हाँ मेरी झात की मेरी हस्ती की हकीक़त नहीं है जो हकीकत है वो अल्लाह की वजह से जब इंसान ये सोचता है कि जो हकीकत है वो अल्लाह ताली की वजह से फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है सारे जितने भी मामला हम देख रहे हैं जीओ पाक ज़िंदगी के हवाले से पता ये चलता है कि इल्म और जिसको अल्लाह रबुल्जत ने इल्म कहा क्योंकि बनाने वाला ही बता सकता है कि इस पुर्जे ने किस तरह से दुरुस्त रहना है इल्म बहुत ज़रूरी है और फिर गौरव फिक्र और फिर यकीन और फिर अमल में तब्दीली आती है यानी ये रास्ता नहीं बदलता हम जैसे पिछली दफ़ा भी देख रहे थे कि किस तरह से आप निफाक से अखलास तक का सफ़र कर सकते हैं आज भी जो बात हम सीख रहे हैं वो यही है कि आप किस तरह से खुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का सफ़र कर सकते हैं लेकिन उस इल्म के बगैर गुजारा ही नहीं है सही पहली चीज़ तो फिर भी हर दफ़ा हमें पता चलती है कि अल्लाह रबुलजत का कलाम उस बनाने वाले का उस पाक हस्ती के कलाम को सीखने की ज़रूरत है क्योंकि असल प्लान तो वहीं से पता चलता है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसी थी बात तो यही है बंदा तो सारी जिंदगी अपनी खुशी तलाश करने की कोशिश करता है और जीना उसे रब की खुशी के लिए है। और कामयाब वही है जो अपनी खुशी को रब की खुशी में शामिल कर ले इंसान गम में क्यों मुबतला होता है अपनी खुशी के टूट जाने पर जब खुशी उसे देने वाली भी वो, गम देने वाली भी वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र है तो शुक्र कहां से निकलता है कि जिस हाल में भी रखा दिया सब कुछ उसी ने है उसकी तरफ जब मनसूब हो जाते हैं बेशक तो देने वाली जात भी वही है और रोक लेने वाली जात भी वही है। वो जिसको चाहता है जैसा चाहता है अता करता है हम उस रब कायन के आगे दुआ गों हैं कि वह हमारी जिंदगी को अपने लिए कबूल कर ले एक मुख्तर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हाँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद हम सफ़र तय कर रहे हैं ख़ुद परस्ती से खुदा परस्ती तक का और इंशाल्लाह अपने रब से दुआ है कि वो हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने के तरीके ज़रूर सिखाएगा कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें क्योंकि उम्मीद सिर्फ उसी से लगाए बैठे हैं अकेला आप ब्रेक पे जाने से पहले कोई सवाल करना चाह रही थी जी उस्ताजा आज की माएँ अपने बच्चों को इस तरह तरबियत देती हैं बच्चों को इस तरह समझाती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो बाकी फैमिली से सुपीरियर हैं तो वो कट ऑफ़ कर देती हैं फलाँ से नहीं मिलना फ़लाँ से नहीं मिलना तो बच्चों की जब तरबियत इस तरह होगी तो कल को वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा जो ख़तरनाक हो सकता है नेचुरली इंसानियत के मकाम से ही गिराना है ना रिश्तों को काटना और यह है कि कोई अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाए तो ये कितना बड़ा धोखा है ना रियलिटी तो नहीं है और मैं देखती हूँ कि कितने ही लोग हैं अल्लाह ताला ने तौर पर बहुत वस्तत भी दी है अभी पिछले दिनों में एक बच्ची का मैसेज मैंने पढ़ा तो उसने कहा कि मेरा प्रोटोकॉल के साथ जीने को जी नहीं चाहता मुझे मेरा ग़रीब लोगों में जी लगता है और उसकी माँ ने अपनी बच्ची को अच्छा इंसान बनाने के लिए झुगियों में लेकर गई झुकियों के बच्चों को वो चीख चीख के पढ़ाती है मोहब्बत के साथ भी और किस तरह से उसकी ख़ुद परस्ती खुदा परस्ती में बदल रही है अल्हम्दुलिल्लाह तो मुबारकबाद की मुस्तक ऐसी माएँ कि जो अपने बच्चों की खुद परस्ती या ना परस्ती का इलाज करती हैं लेकिन ये जो कल्चर है जहाँ पे आप बच्चों को मुस्तकिल अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने पे लगा देते हैं कि बच्चे ने खाना किया है अच्छा बेटा क्या खाओगे क्या पहनोगे आप किसके पास जाना चाहते हो क्या लेना चाहते हो बच्चों के कमरे जब डेकोरेट होते हैं बच्चों की चीज़ें जब ली जाती हैं तो बच्चा समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ फिर उसके लिए इस लाइफ स्टाइल से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है तो हकीकत यह है कि बचपन से सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आज के माहौल में बैठ के जिस जिस लगजोरियस माहौल में हम रहते हैं और जहाँ हम रहना चाहते हैं उस माहौल में बैठ के ये बात समझाना और सिखाना और इस पर अपने दिल का भी यकीन करना कि हमारे असलाफ अपने बच्चों की जब तरबियत किया करते थे तो वो उन्हें नरम बिस्तरों को सुलाने से भी मना करते थे और वो जो हम छोटे होते थे तो कहा जाता था खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की आंख से तो हमें समझ नहीं आती थी कि अब्बा की शेर की आंख क्यों रहती है हर वक्त लेकिन उन चीज़ों के फ़वाद हम महसूस करते हैं लेकिन आज फ्रेंडली इन्वामेंट के नाम पर वो लिहाज वो शर्म वो सिखाना और फिर कंफर्ट जोन में रखना और एक से ज़्यादा मतलब बच्चा अगर किसी दिन बाइक पे स्कूल से घर वापस आ जाए तो माँ बाइक पे बच्चा आता है माँ गश्त खा के गिर जाती है कि मेरा बच्चा धूप खा के आ गया अब इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ जहाँ पर आ, शायद हमारे अपने लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया ये बात समझना कि इस कम्फर्ट के बगैर कैसे रहा जा सकता है असल में कम्फर्ट में रहने में मैं फिर वही बात कहूँगी कि कम्फर्ट में आप अगर रख भी रहे हो तो उसे तस्वीर का दूसरा रुख जरूर दिखाएं क्योंकि जब तक इंसान महरूम लोगों के दरमियान नहीं जाता वो उस कंफर्ट पर शुक्र अदा करने के काबिल भी नहीं होता ये और जब तक, तक इंसान ऐसे माहौल में जाके उसको बरतता नहीं है उस वक्त तक उसके अंदर से इंसानियत भी नहीं उभरती अनापरस्ती तो इंसान को फिरौन बना देती है अनाप्रस्ती तो इंसान को इब्लीस बना देती है वो तो इबलीस का साथी बन जाता है इस वजह से हमने जिंदगी में जो काम करना है अपनी खुशी को अल्लाह ताला की खुशी में शामिल करना है तो हम बात ज़्यादा कर रहे हैं बच्चों पे, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो बड़े हैं अगर कोई बिजनेस मैन है तो वो ये समझता है कि जो कमा रहा हूँ मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ ये मैंने ये काम किया था, भी यही का मैंने था। ये स्ट्रेटी अडॉप्ट की थी मैंने ये काम किया था हम अपने कामों में भी करते हुए कभी स्टेज पर चले जाते हैं कि इस तरह से हमने किया तो इस तरह से हो गया ये वाली बात कि कहाँ इंसान गलती खा जाता है कि फिर खुदा परस्ती के रास्ते से फिर खुद परस्ती भी चला जाता है। देखें हर वक्त इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह की रहमत से अल्लाह की दी हुई तौफीक से हर वक्त इस बात का ज़ुबान से एतराफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब बात दिल के अंदर नहीं होती तो लफ्ज़ों में भी नहीं आती यानी दिल का यकीन और जुबान, जुबान का इजहार और एक दूसरे को याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है तो रब का तस्करा और उसकी नेमतों का इजहार और फिर उसकी उसके फ़ज़ल को याद करना और हर चीज़ को उसकी तरफ़ मंसूब करना इंसान को खुद प्रस्ती से निकालता जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी देख रहे थे कि इस बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल यानी आपका दिल भी उस चीज़ की गवाही दे आपके आजाद भी उस चीज़ की गवाही दे और आपकी ज़ुबान सबसे बड़ी से, बात है जैसे आप हमेशा एक मिसाल देती हैं कि कोई इतनी बड़ी बात सीख जाता है कि जैसे बुज़ुर्ग ख़ातन बैठती हैं और किसी के मौत के मौके पर ये कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी कि इतनी बड़ी बात है कि इंसान के लेकिन दो लफ्जों में अदा हो जाती कि अकीदा कुछ भी है लेकिन अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मर्जी देने वाला भी वो लेने वाला भी वो इसमें कोई शक नहीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उन्होंने हमें इतना प्यारा उसफा दिया कि आप जब सुबह शाम के اذکار करो तो ये दोहराओ रजीतु बिललाहि रब्बा वबिल इस्लामी दीन वबि मुहम्मदिन नबीर रसूला कि मैं अल्लाह के रब होने पे इस्लाम के दीन होने पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पे राज़ी हो गया अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह तो असल में अगर आप देखें तो ख़ुद परस्ती तक इंसान जाते ही तब है या उसे दीन पे एतराज़ है या उसे नबी ससम की सुन्नत पे एतराज़ है या अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ है तकदीर पर इंसान राज़ी नहीं होता तो जो तकदीर पर राज़ी हो जाए अल्लाह की तकदीर पर तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है और उससे जो कुछ राज़ी हो जाते हैं उनको देख के ये समझना ये तो ऑर्थोडॉक्स है ये तो पुराने के लोग हैं ये किस रजा की और किस खुशी की बात करते फिरते हैं देखिए जी ये तो एक सांचे के टेढ़े होने की बात है ना तो सांचा जब टेढ़ा हो जाए तो उसको सीधा करने की जरूरत है इस पर फिक्र तो करनी चाहिए लेकिन बहरहाल इस बात की कि उस सांचे को कैसे सही लेकिन उस सांचे में जो चीज तैयार होगी अगर आपने मोम डाली किसी सांचे में और वो तैयार कर ली अब तैयारी तो होगी जब तक वो दोबारा पिघलेगी नहीं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी और फिर दोबारा से एक सही सांचे में डलेगी असल में अल्लाह ताला ऐसा माहौल पैदा करते रहते हैं जहाँ पे हीट मिलती है अब ये जो आजकल माहौल पैदा हो गया फितनों के दौर में तो इसमें हीट तो मिल रही है मुख्तलिफ कॉर्नर से तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से प्रोसीजर यही रहेगा प्रोसीजर तो यही रहता है ऐसा जब अल्लाह ताला की रहमत होती है ठंडे मीठे माहौल में बैठ के आपको ये बातें समझ आ जाए अल्लाह तला की दी हुई तौफीक से समझ आ भी सकती हैं क्योंकि फैसला तो उसका है नेकी का इलाम भी उसी की तरफ से होता है और नेकी की तौफीक भी वही देता है यही हिदायत है हिदायत तो यही है लेकिन हिदायत उन्हीं को मिलती है जालिकल किताबुल्ला रही बफी हदमत हिदायत उसी को मिलती है जो अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हैं और फिर नेक काम करते हैं और फिर हिदायत मांगी भी चाहिए हिदायत मांगनी चाहिए हिदायत मांगने से मिलती और ये हिदायत, हिदायत है ना कि इंसान अल्लाह की खुशी के लिए जीना चाहे मुझे इतनी प्यारी ये बात लगती है कि इंसान अपनी खुशी को सरेंडर कर दे और हमेशा यही देखे हर काम में खाने में पीने में बरतने में अखलाक में मामलत में ताल्लुक में माशरत में मीशत में सियासत में कि अल्लाह किस चीज़ से राजी है अल्लाह की रजा बहुत सारी कितनी बड़ी बात है जब इंसान बहुत थक जाए टूट जाए और बिल्कुल कुछ करने को दिल ना चाहे और फिर उस वक्त कोई ऐसा अमल करना जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो बाहिर वो अमल आप बहुत सारे मामला इंसानों के साथ कर रहे होते हैं किसी की थकावट को दूर करने के लिए किसी के साथ हुसन मामला करने के लिए लेकिन आपके मोमेंट एक अजीब स्टेट में रहता है कि उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल चल रहा होता है कि उसने अल्लाह को राज़ी करना है असल में तो यही ख्याल चलना चाहिए और ये ख्याल ख्याल नहीं है महस यकीन है यकीन है। क्योंकि यकीन के बगैर कोई भी मन को मार नहीं सकता मन की मानता रहता है तो मन की मानने में और मन को मारने में बड़ा फर्क है बेशक तो असलन तो मन को मारने वाला ही कामयाब है क्योंकि मन को अपने रब के लिए को मार देता है तो अपनी खुशी को दरअसल अल्लाह की खुशी के हवाले कर देता है ना जैसा आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमें ख़ुद परस्ती से खुदा परस्ती तक के रास्ते की तरफ़ रहनुमाई की हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो हमें इस रास्ते का मुस्तकिल मुसाफिर भी रखे और इस पर सबात इख्तियार करने की तौफीक भी दे क्यों क्योंकि हिदायत देना उसके बस में है और हिदायत देने के बाद साबित कदमी इख्तियार इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता ये भी उसी की रहमत से मुमकिन है इंशाल्लाह जियो पाक ज़िंदगी के इन प्रोग्राम्स के सिलसिले में अगली किस्त में किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मैं उस की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी साथियों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमने मिल बैठ के ख़ुद परस्ती से खुदा परस्ती तक के सफ़र को सीखा अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आएंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए असल वरहल वर्कू